हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरोस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे कैनन के 80D के बारे में। ये बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा सेल वाला कैमरा है, बेस्ट बजट कैमरा, बहुत ही शानदार रिजल्ट वाला कैमरा है ये। ये आपको मार्केट में 80 से 90 हज़ार रुपये में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी बैटरी, जो कि करना पड़ेगा अपने को यहाँ से ओपन। इसको ओपन करने के बाद ये यहाँ पे दिया हुआ एक और लॉक, इसको करिए, ये ऑटोमेटिक है कई बार। हाँ, तो ये इस टाइप की बैटरी है इसकी, ये देखिए इस टाइप की बैटरी है। और डालते हैं इसको वापस अंदर, यहाँ पे लॉक हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ से पकड़िए आप, ये यहाँ पे इसका स्विच नहीं है कैनन 80D में, ये यहाँ पे है, ठीक है। कर दीजिए इसको ऑन। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये अभी लॉक है, ठीक है, यहाँ से लॉक है। तो इसको करना पड़ेगा अनलॉक ये, और जब आप कैमरा ऑफ करके रख दें तो उसको यहाँ से लॉक करके फिर रखें, ताकि ये लेंस हिले डुले ना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हो गया ऑन। अब देखिए ये यहाँ पे स्टेबलाइजर ऑन ऑफ कर दिया हुआ है, और ये फोकस मोड ऑटो एंड मैनुअल, ठीक है। और 18-135 mm का ये जूम लेंस है, लेंस बोल सकते हैं, जूम लेंस बोल सकते, जो कि इमेज स्टेबलाइजर नैनो USM के साथ आता है। ये है इसका सामने का फ्रंट, ठीक है, और ये ऊपर दिया हुआ है डिस्प्ले, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये ISO, ये यहाँ पे EF, ये ड्राइव, ये ISO और ये मैट्रिक, ये यहाँ पे इसके अंदर लाइटिंग के लिए, ये देखिए लाइट लगे, ये मैं आपको इसको अंधेरे में दिखा देता हूँ कितना होता है। अब आप देखिए यहाँ से ये इसके मोड है, मैनुअल भी वगैरह, AV TV ऑटो, ये यहाँ पे मैनुअल मोड मैं चलाने के लिए। अब ये जो दिया हुआ है, ये अपने दिया हुआ है इसका स्पीड का, ठीक है, इसके अंदर ये दिया हुआ है स्पीड का। और ये यहाँ पे एक ये रिंग है, ये देखिए, ये अपेसर के लिए है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये कुछ नहीं करना है। अपेसर सेट करने के लिए आपको यहाँ से इस रिंग को घुमाना है, ये ठीक है, और इस रिंग को घुमाने से आप अपेसर कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस रिंग को घुमाने से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 125 नॉर्मल रखने से है। ये यहाँ पे डिस्प्ले में भी दिख रहा है। और ISO जो है, ये यहाँ पे ISO है, जो कि अभी 1000 दिखा रहा है अपने यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि ये जो ISO का स्विच है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ISO को चेंज करने के लिए इस स्विच को दबाना, फिर आप ये इसको इधर घुमा सकते हैं इस रिंग को, ठीक है, और ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्विच को दबाए रखना है, ठीक है, इस स्विच को दबाए रखने के बाद अभी देखिए 400 है ISO, ये इस स्विच को दबाया और ये अभी हो गया 800, 1600, 1000, जितना आप रखना सब रख सकते हैं। और ये प्ले बटन हो गया, ये डिलीट के लिए। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, ये जो ये है फ़ोटो जूम और जूम आउट के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिए ये मैट्रिक्स मोड है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये पर्टियल मैटरिंग, इसको आप ऐसे एवोल्यूटिव मैटरिंग पर्टियल, और ये स्पॉट, और ये सेंटर वेट, ठीक है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। और उसके अलावा जो ये जो ड्राइव का मोड है, ये ड्राइव, ये देखिए आप सिंगल शूटिंग, ये सब इसके अंदर ये रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये AF ऑटो फोकस, AI सर्वो वन शॉट, ये अपने AI फोकस ओके हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, जो कि वाइट बैलेंस अपने को सेट करना है उसके लिए, तो अपन मेन्यू में जाएंगे, ये वाइट बैलेंस,
इसको अब आप देखिए, ये के पे ये कलर टेम्परेचर के लिए हैं, ये भी आपके टच बटन से आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये दिया हुआ है कस्टम, ये फ्लैश, ये वाइट फ्लोरोसेंट लाइट, ये टंगेंस, ये क्लाउडी, ये सेट, ये डे लाइट, ये AWB मतलब ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस, ऑटो वाइट बैलेंस। के अंदर रखने के बाद इसको आप यहाँ से 51, 52, 53 आप ऐसे सेट कर सकते हो, जितना आप के मतलब कलर टेम्परेचर केल्विन शॉर्ट बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कलर टेम्परेचर बोल सकते हैं, कलर टेम्परेचर से आप ऐसे सेट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपने को जैसा कलर सही है उस हिसाब से अपन कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब आप देखिए ये कस्टम वाइट बैलेंस शिप वाला ये है जो है, ये इसके अंदर भी ये ऐसे यहाँ से ऐसे ये ब्लू लाइट येलो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए कलर स्पेस sRGB एक्सपोजर, ये एक्सपोजर जो है इसको आप ऐसे कर सकते हो कम ज़्यादा। और इसके अलावा आप ये देखिए ISO स्पीड सेटिंग, या ISO स्पीड अपन रख सकते हैं मिनिमम वगैरह, मेनू में गए अपन। और ये है अपना इमेज क्वालिटी, सॉरी ये दिखा देते इमेज क्वालिटी के अंदर ये आप लार्ज रख सकते और ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके अंदर लार्ज के अंदर, और ये लार्ज के अंदर कम, ये मीडियम में 11 मेगापिक्सल और ये S1 में 5.9 मेगापिक्सल का। ठीक है, और ये S2 में 2.5 मेगापिक्सल और ये 0.3 S720x1200 से ये हो गया। चलो समझो कुछ भी अपने को ये ओके। और ये इमेज रिव्यू 2 सेकेंड, ये बीप के लिए इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपन, ये रिलीज शटर विदाउट कार्ड ऑन है, लेंस अब्रेशन करेक्शन, फ्लैश कंट्रोल, रेड आई रिड्यूक्शन, ये हो गया। अब इसके अंदर आप देखिए 2 नंबर का अपन देख लिए थे कलर स्पेस वाला, ये 3 नंबर जो है इसके अंदर देखिए पिक्सर स्टैंड, सबसे पहले इसको अपन स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट लैंडस्केप फाइन डिटेल न्यूट्रल हेथपुल मोनोक्रोम यूजर वगैरह ये है। इसके अंदर ये निकॉन के अंदर विविड आता है, ऐसे इसके अंदर विविड नहीं आता है, तो आप स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, किसी पे भी रख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर, हाई ISO स्पीड, और ये हाईलाइट टर्न प्रायोरिटी, डस्ट लेट डाटा, मल्टीपल एक्सपोजर, STR मोड ये है। ठीक है, और ये इंटरवल टाइमर, एंटी फ्लिकर शूट वगैरह, ये लाइव व्यू शूट, और ये हो गया इसका। ठीक है, अब ये आ गया इसका प्ले के लिए। ठीक है, वो तो कैमरे के थे, अब ये प्रोटेक्ट इमेज, रोटेट इमेज, इरेज इमेज, प्रिंट ऑर्डर, ये सब इसका ये छोटा मोटा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्रॉपिंग कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं वगैरह। ठीक है, इमेज जंप वगैरह, ये हाईलाइट अलर्ट, ये पॉइंट वगैरह, ये हो गया इसका सेटिंग। वायरलेस कम्युनिकेशन, सेलेक्ट फोल्डर, नंबरिंग, ऑटो रोटेट, ये ऑटो पावर ऑन ऑफ, ये कुछ सेटिंग्स है, LCD ब्राइटनेस, LCD ऑन ऑफ बटन्स, ये डेट टाइम जोन, ये लैंग्वेज, व्यू फाइंडर डिस्प्ले, ये वगैरह ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो सिस्टम पर ये कुछ सेटिंग्स है। ठीक है, ये सब इसकी खुद की सेटिंग्स है। इसके अलावा ये भी और ये एड माई मेनू वगैरह है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये जो कैमरा है इसके अंदर ये यहाँ पे फोटो के लिए स्टार्ट स्टॉप, ये लाइव मोड ऑन हो जाता है इससे, ये देखिए ये लाइव, इससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोटो भी खींच सकते हैं। ये यहाँ पे फोटो मोड में और ये रिकॉर्डिंग मोड में। ठीक है, हो गया। अब ये इसको आप कर दीजिए बंद, और ये है इसका प्ले मोड जो कि अभी कार्ड नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है कैनन का ATD जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है आपको, जितना मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत उतनी मैंने आपको दे दी है, तो जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो जो आप मैंने बनाया है आप सबके लिए, अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट मी। ये यहाँ से फ्लैश ओपन इंटरनल, ठीक है, देखिए ये हाँ
ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें आप बेल आइकन को दबा करके, ताकि जैसे ही मैं आप वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।